सुन सर, इस वाले वीडियो में क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ कि क्या अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो नीट क्रैक कर सकते हैं क्या? लार्जली आंसर नो है, नहीं नहीं कर सकते। यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो पहली चीज खुद से पूछे कि अभी तक क्यों पढ़ाई नहीं की, और ऐसा क्या हो जाएगा कि बचे हुए 6 महीने में आप दबा के पढ़ाई करोगे? बचे हुए 6 महीने में यदि आपको सारा सिलेबस खत्म करना है तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कैसे, जरा देखिए, टोटल नीट की तैयारी करीब 2600 से 2800 घंटे की है। मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की है, आपको थ्योरी करनी है हर एक चैप्टर का, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उसके बाद रेगुलरली मॉक टेस्ट देना है। थ्योरी का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा। आप वीडियो की जगह यदि क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, आपने लेक्चर सुने, लेक्चर देखते हुए नोट्स लिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ा, ऑन एन एवरेज 13 घंटे इसके, 3 घंटे एनसीईआरटी रीडिंग करने के। फिजिक्स केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर 100 से 150 क्वेश्चन, बायो का हर एक चैप्टर 150 से 200 क्वेश्चन, इसमें करीब 7 घंटे, 13, 3, 16 और 7, 23 x 96 करीब करीब 2200 घंटे हो जाते हैं। और साथ में 20 टेस्ट दिए, टेस्ट से पहले रिवीजन, टेस्ट के बाद एनालिसिस, 20 घंटे लगते हैं हर एक टेस्ट के हिसाब से, 400 घंटे वो 2600 घंटे हो जाते हैं। नीट के एग्जाम में जब 180 दिन बचे, 180, 182, 184 आप जो भी बोलना चाहें, करीब आप 2000 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो 2000 घंटे की ही पढ़ पाएंगे और चाहिए 2600 से 2800 घंटे की। तो पॉइंट यह है कि जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या इस समय पे तैयारी स्टार्ट करके सिलेक्शन नहीं होता? होता है, पर उन लोगों का होता है जो जीरो लेवल पे नहीं है, उन लोगों का नहीं होगा जो नॉट स्टार्टेड एवर, कभी स्टार्ट ही नहीं किया, स्टिल स्लीपिंग, ठीक है। पर आपने इस बार मेहनत की थी, आपका 350, 450 इस टाइप का स्कोर है, तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी आप जीरो लेवल पे नहीं है। आपको जीरो लेवल पे नहीं होने का मतलब क्या है? आपको कुछ चैप्टर आते हैं, कुछ नहीं आते, आपको मेजरली मेहनत उन चैप्टर्स पे करनी है जो आपको नहीं आते, ठीक है। उस चीज के अराउंड एक शेड्यूल बनाया जा सकता है, जैसा ये शेड्यूल मैंने आपको यहां पे बना के दिया था। इस तरह का एक शेड्यूल अपने लिए बना लीजिए, जिसके अंदर आप ये चीज डाल लेंगे कि मैं कौन कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में, हर एक हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सोच लीजिए, मोटा मोटा इस तरह से सोच लीजिए कि आपको छह महीने बचे, 6 months, 6 महीने का मतलब 26 हफ्ते होते हैं, ठीक है। 26 हफ्ते में से भी 4 हफ्ते हटा दीजिए, 31 मार्च तक का टारगेट करते हैं, 31 मार्च टारगेट रखते हैं कि चीजें खत्म कर लेंगे और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे। ऐसा नहीं है 31 मार्च के बाद मॉक टेस्ट देंगे, तो 31 मार्च तक हमारे पास 22 हफ्ते बचते हैं, 22 हफ्तों में हमें करने हैं 96 चैप्टर्स, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 चैप्टर्स पर वीक, ठीक है। ये लार्जली इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है लार्जली इम्पॉसिबल है, यदि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। यदि आपको आता है तो फिर इस चीज को किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 5 चैप्टर्स को ऐसे ले लीजिए, लेट्स से 2 बायो 2 केमिस्ट्री 1 फिजिक्स, किसी हफ्ते 2 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री ले लीजिएगा, 1 इजी 1 डिफिकल्ट, और ये वाला देख लीजिए इजी या डिफिकल्ट लेना है ना। इजी डिफिकल्ट की डेफिनेशन ये है, इजी वो है जहाँ पे आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, वापस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मॉक टेस्ट देने के वापस लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जरा देखिए, आपने 2000 घंटे का प्लान बनाना है ना, और 2000 घंटे के प्लान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे पहले तो ये बांट लीजिए कि कितने चैप्टर आपके इजी डिफिकल्ट आ रहे हैं। एनसीईआरटी उठाइए, मार्क लिखना चालू कर दीजिए इंडेक्स के अंदर, ये वाला चैप्टर इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर में मैंने आपको बताया वीडियो देखते हुए नोट्स लेना, एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप ये वाली चीज रहने दीजिए, जो चैप्टर आपको ईजी लगता है आप ये वाली चीज रहने दीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईजी चैप्टर लग रहे हैं 15, 15, 30 और 28, है ना, करीब 58 चैप्टर्स यहाँ पे ईजी लग रहे हैं, 58 ईजी, है ना। तो 58 ईजी का मतलब है 58 × 7 घंटे, राइट, करीब
400 आवर्स में आपका इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आप इसका मॉक टेस्ट लिख सकते हैं। और जो चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं या फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और क्वेश्चन खूब गलत हो गया, इसका मतलब सच में आपको आता नहीं, आपको लगता था आपको आता है, उसमें हमें ये वाली सीक्वेंस जो है ये पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। शेड्यूल में वापस आ जाते हैं, पांच चैप्टर, चार या पांच चैप्टर डाल लीजिए और हर दो हफ्ते के बाद आपके पास, यदि हमारा टारगेट बैच है, हर दो हफ्ते के बाद मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, हर दो हफ्ते के बाद मॉक टेस्ट दे दीजिए, पर साथ साथ में करना है गाइस। मॉक टेस्ट के बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है, मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट से पहले 12 से 13 घंटे का रिवीजन है। मॉक टेस्ट आपको बताएगा आपके वीक एरियाज क्या है, आपको कोशिश करनी है अगले मॉक टेस्ट तक वाले वीक एरियाज फिक्स हो जाए। तो मैं आपको वापस यही बताने की कोशिश करना चाहता हूं, यहां पे कुछ चीजें समझाइए, प्लीज शेड्यूल बना लीजिए, बिना शेड्यूल के तैयारी मत करिए, बहुत ज्यादा बाद में हालत खराब हो जाएगी। टाइम है पर टाइम को इस तरह से यूज करिए, यू आर वेरी वेरी क्लियर कौन से चैप्टर्स में मुझे थ्योरी करनी है, कौन से चैप्टर्स में नहीं करनी, कौन से चैप्टर्स मुझे आते हैं, कौन से चैप्टर नहीं आते। आपको कोई चैप्टर आता है कैसे पता चलेगा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 90-95% क्वेश्चन सही हो गए, आपको उसकी थ्योरी करने की जरूरत नहीं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू अ मैकेनिज्म। आइडियली ये 2600 से 2800 घंटे 2 ईयर प्रेपरेशन में दिए जाते हैं, दिन के 4 से 5 घंटे लगा के। अजम्पशन यही है कि आपको आता है, आपने एक बार टेस्ट दिया था, आपको आता है, अब आप बचे हुए टाइम में काउंसलिंग हो रही है, आपको आइडिया लग रहा है नहीं यार नहीं हो पा रहा, आई शुड प्रिपेयर अगेन, मेरा अगले साल निकल जाएगा, उस वाले नजरिए से मैं बता रहा हूं। अदरवाइज ये वाली तैयारी बचे हुए टाइम में बिल्कुल स्क्रैच से, मैं नहीं बोलूंगा हो सकती है, मैं यदि बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर यदि आप एक लेवल पे हैं तो मैंने आपको एक तरीका बताया चैप्टर्स को इजी डिफिकल्ट में क्लासिफाई करके इस तरह का शेड्यूल बना के कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो ध्यान रखिएगा, यदि आप इस टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा एक लाइव कोर्स आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इट इज बेटर दैट यू डू अ रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड कोर्स में यू कैन मेक योर ओन स्केड्यूल, मेक योर ओन सीक्वेंस, है ना, तो वो आप एक लाइव में नहीं कर सकते क्योंकि लाइव की सीक्वेंस सामने वाला डिसाइड करता है। एक सीक्वेंस होती है जिससे पढ़ रहे होते हैं बच्चे, लाइव से काम नहीं चलेगा। रिकॉर्डेड में अपनी सीक्वेंस के हिसाब से थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैलेंस मेंटेन करिए इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाला जो शेड्यूल है, ये वाला जो शेड्यूल है सैंपल शेड्यूल और ऐसा शेड्यूल जो खाली है, ये सब चीजें नहीं लिखी हुई क्योंकि ये तो सैंपल है, आपको खुद का शेड्यूल खुद बनाना है, हर जने का डिफरेंट है, इजी और डिफिकल्ट कौन सा चैप्टर लगता है बना लीजिए। नीचे मैंने कोरा का लिंक दिया है, वहां पे अपलोड कर दीजिए, मैं उस पर फीडबैक प्रोवाइड कर दूंगा, पर शेड्यूल बना लीजिए, बचे हुए टाइम में बिना शेड्यूल बनाए तैयारी नहीं हो पाएगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी और क्वेश्चन है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।